हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज वीडियो रे हमें डिस्कस करबा कंप्यूटर रे कते गुड़े मोस्ट इम्पोर्टेंट सिलेक्टिव क्वेश्चन जहाँ कि आपण मानक निहाती हेल्पफुल रहिबो। तो ये टाइप रो क्वेश्चन ही एग्जाम रे देखिबा को मिलिथाय। तो सेतिपई वीडियो टी को स्टार्ट रु एंड पर्यंत निश्चय देखिबे। आउ जदि हम चैनल को फर्स्ट टाइम पई विजिट करछंती तबे निहाती सब्सक्राइब कर दियंतु। आउ एहार पीडीएफ टी आपण हम टेलीग्राम ग्रुप रु पाई परबे। तो चालंतु स्टार्ट करबा। Which items are placed at the end of a document? तबे आमे गोटे डॉक्यूमेंट तैयारी करुछु तो ये डॉक्यूमेंट रो एंड रे कौन रही थे तो ये होची फुट नोट। तो डॉक्यूमेंट रो एंड रे जो आइटम टी प्लेस्ड होता है ताकू कहा जाता है फुट नोट। तो देखु इनसर्ट एंड नोट तो यह क्योंठे रही था बॉटम ऑफ द पेज। तो पेज रो लास्ट रही था आउ एंड नोट रे कौन रही था मोर इनफॉरमेशन अबाउट योर पेज। तो पेज रे आम कौन लिखी छु तो से विषय रे एक्स्ट्रा इनफॉरमेशन रही था एंड नोट रे। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड डैश। तबे गोटे नंबर किंबा लेटर जहाँ कि गोटे नॉर्मल लेटर रो टिके ऊपर रही थे फॉर एग्जांपल देखंतु एक्स तो ये लेटर रो जस्ट ऊपर टू लिखिले आम तो यह ऊपर लेटर किंबा नंबर मध्ये रही पर तो यह एक्स स्क्वायर तो से ऊपर एक्स क्यू तो ये ऊपर जो लेटर रही तो यह कौन कह जाए थे यह कह जाए थे सुपर स्क्रिप्ट। तो ऑप्शन ए हो जाए करेक्ट आंसर। ए नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल अबव द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन ए नंबर और लेटर दैट अपीयर्स लिटिल बिलो द नॉर्मल टेक्स्ट इज कॉल्ड डैश। तो यह पूर्व आम एबव रे तो यह लिटिल बिलो कही तो देखु ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन रो कौन ओ टू होता है तो यही नॉर्मल टेक्स्ट रो जस्ट टिके तले यह रही टू तो यह कहा जाए थे सॉफ्ट स्क्रिप्ट। तो यह कहा जाए थे सॉफ्ट स्क्रिप्ट। तो गोटे नॉर्मल टेक्स्ट रो जस्ट तले रे जो लेटर बा नंबर रही थाए ताकू कहा जाए थे सॉफ्ट स्क्रिप्ट। आउ नॉर्मल टेक्स्ट रो ऊपर जोटा रही थाए यह कहा जाए थे सुपर स्क्रिप्ट। तो तले थिले सॉफ्ट स्क्रिप्ट आउ ऊपर थिले सुपर स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन वी कैन इनसर्ट ए पेज नंबर और डैश। तो आम क्योंठे पेज नंबर इनसर्ट कर पारिबा तो पेज नंबर आम हेडर एंड फुटर टैब रे इनसर्ट कर तेणु यठार करेक्ट आंसर टी हो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो देखंतु हेडर एंड फुटर तो ये रही पेज नंबर तो हेडर एंड फुटर टैब रे रही था पेज नंबर एवं एठारे आमे पेज नंबर ऐड करी परिबा। तो ये पेज नंबर टॉप ऑफ द पेज मध्य हो पारे तो पेज रो ऊपर मध्य आमे दे परिबा पेज रो तले मध्य दे परिबा किमा मार्जिन रे मध्य दे परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच वन कैन बी यूज एज वाटरमार्क इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट। तबे गोटे वर्ड डॉक्यूमेंट रे जो वाटरमार्क दिया जाए थे तो एथिरे आमे कौन ऐड करि परबा तो यह टेक्स्ट मध्ये होई परबो इमेज मध्ये होई परबो। तो एठारे करेक्ट आंसर टी होई जबो ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। तो वाटरमार्क हिसाब रे आमे टेक्स्ट मध्ये देई परबा किंबा इमेज मध्ये देई परबा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच आइटम अपीयर्स डिमली बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। तबे एठारे देखंतु टेक्स्ट अच्छी तो एथिरे गोटे डिमली देखा जाउची लेखा जाइछि एठारे तो ये डिमली जोटर टेक्स्ट रहिछि तो यह होची वाटर मार्क। तो वाटर मार्क जहाँ कि डार्क हो न थाए तो यह टिके कम होता है तो यह डिम देखा जाए थे और टेक्स्ट पछरे ही रही थाए।
तेणु यठार करेक्ट आंसर टी कौन है वाटर मार्क जहाँकि डिमली अपर हो बिहाइंड द मेन बॉडी टेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट इज 10। तबे एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट रे मिनिमम केतोटी रो एवं केतोटी कॉलम रही परिबो तो मिनिमम गोटिए कॉलम एवं गोटिए रो रही परिबो तो देखंतु तो एठारे करेक्ट आंसर टी होइजबो ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन फॉन्ट साइज टूल ऑन फॉर्मेटिंग टूलबार। तो फॉर्मेटिंग टूलबार रे स्मॉलेस्ट एवं लार्जेस्ट फॉन्ट साइज केते रही थाए तो एथिरे रही थाए 8-72। तो स्मॉलेस्ट फॉन्ट साइज होची 8 एवं लार्जेस्ट होची 72। तो यह फॉर्मेटिंग टूलबार रे एतिकि ही रही थाए किंतु एमे एहाकु मैनुअली अधिक मध्य करि परबा। तो देखंतु एठरे मिनिमम 8 एवं मैक्सिमम 72 रहिछि। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड टेबल। तो गोटे वर्ड टेबल रे आमे मैक्सिमम केतोटी कॉलम इंसर्ट करि परबा तो एटा हिछि कॉलम तो मैक्सिमम आबे 63 टी कॉलम इंसर्ट करि परबा तो ऑप्शन डी हो जइबो एठारे करेक्ट आंसर। तो मैक्सिमम केतोटी कॉलम आमे इंसर्ट करि परबा 63। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मैक्सिमम रोज कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड टेबल। तो गोटे वर्ड टेबल रे आमे मैक्सिमम केतोटी रो इंसर्ट करि परबा तो मैक्सिमम कॉलम आमे 63 टी इंसर्ट करि परबा तो सही परि रो केतोटी आमे इंसर्ट करि परबा तो रो आमे अनलिमिटेड जेते भी इंसर्ट करि परबा तो करेक्ट आंसर टी हो जइबो ऑप्शन डी अनलिमिटेड तो यार किछि लिमिट नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन यूजिंग फाइंड कमांड इन वर्ड वी कैन सर्च डैश। तबे एमएस वर्ड रे फाइंड कमांड यूज करी आमे कौन सर्च करि परबा तो आमे कैरेक्टर मध्य सर्च करि परबा फॉर्मेट सर्च करि परबा सिंबल मध्य सर्च करि परबा तो एठारे करेक्ट आंसर टी होइजबो ऑल ऑफ द अबव तो आमे सब सर्च करि परबा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन एमएस वर्ड फॉर व्हाट डज रूलर हेल्प। तो एमएस वर्ड रे जो रूलर रही थाए तो यह क्यों थी साहय कर टू सेट टैप्स तो टैप सेट करिवारे हेल्प करिथाय इंडेंट सेट करिवारे मध्य हेल्प करिथाय और पेज मार्जिन सेट करिवारे मध्य हेल्प करिथाय तो करेक्ट आंसर टी हो जइबो ऑल ऑफ द अबव तो ये समस्त कार्य पई हमें रूलर रो यूज करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच मेन्यू इन एमएस वर्ड कैन बी यूज टू चेंज कैरेक्टर साइज एंड टाइप साइज टाइप फेस। तो एमएस वर्ड रो क्यों मेन्यू द्वारा हमें कैरेक्टर साइज एवं तार टाइप फेस को हमें चेंज कर परबा तो यह होची फॉर्मेट मेन्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच की शुड बी प्रेस टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड रे गोटे नुआ पैराग्राफ स्टार्ट करिबा पई आमे क्यों की को प्रेस करिबार तो ताहा होची एंटर की तो एंटर की प्रेस करके आमे गोटे नुआ पैराग्राफ स्टार्ट करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑफ दिस टूलबार्स अलाउ चेंजिंग ऑफ फॉन्ट एंड देयर साइज। तबे क्यों टूलबार रे आमे फॉन्ट एवं एहर साइज को चेंज करि परिबा तो यह होची फॉर्मेटिंग टूलबार तो फॉर्मेटिंग टूलबार रे आमे फॉन्ट एवं तार साइज को चेंज करि परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच ऑप्शन इन फाइल पुल डाउन मेन्यू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड रे गोटे फाइल को क्लोज करिबा पई तो एमएस वर्ड रे जो फाइल पुल डाउन मेन्यू रहिछि फाइल पुल डाउन मेन्यू रहिछि तो यहर क्यों ऑप्शन को आमे करिकि
क्यों ऑप्शन को आम यूज करके गोटे फाइल को क्लोज करी परिबा। तो यह क्लोज, तो क्लोज ऑप्शन को आम यूज करके गोटे फाइल को क्लोज करिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंट्रोल प्लस आर इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड रे कंट्रोल प्लस आर शॉर्टकट की यूज करी हमें कौन करी परिबा। तो कंट्रोल प्लस आर कौन पे यूज होता है, तो राइट अलाइन, तो टेक्स्ट को राइट अलाइन करबा पई कंट्रोल प्लस आर रो यूज होता है। तो देखो तो एठारे ऑप्शन रे देछि ओपन द प्रिंट डायलॉग बॉक्स, तो यह हम नहीं अपडेट द करंट वेब पेज, तो यह मध्य हम नहीं क्लोज द करंट विंडो, तो एमानक मध्यरु कोटा भी ठीक नुहे। तो करेक्ट आंसर टी कौन हम ऑप्शन डी, कारण कंट्रोल प्लस आर रो यूज होता है राइट अलाइन पे। तो देखंतु कंट्रोल प्लस आर समान राइट अलाइन, तो राइट अलाइनमेंट पे कंट्रोल प्लस आर और लेफ्ट अलाइनमेंट पे कंट्रोल प्लस एल, सेंटर अलाइनमेंट पे कंट्रोल प्लस ई और जस्टिफाई अलाइनमेंट पे कंट्रोल प्लस जे, तो चारोटी अलाइनमेंट रही। तो कंट्रोल प्लस आर, कंट्रोल प्लस एल, कंट्रोल प्लस ई और कंट्रोल प्लस जे, तो यह कौन पाई यूज होता है, तो ताहा आपण माने निहाती मने रखिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ फाइल्स क्रिएटेड इन एमएस वर्ड 97 to 2003। तो एमएस वर्ड 97 to 2003 मध्य रे एमएस वर्ड फाइल रो फाइल एक्सटेंशन कोटा, तो यह होची .doc। तो यार फाइल एक्सटेंशन होची .doc, किंतु वर्तमान फाइल एक्सटेंशन जहाँ कि 2003 होची .docx, तो यह होची एमएस वर्ड रो फाइल एक्सटेंशन, तो यह पूर्वर थिला .doc। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इज यूज फॉर जे डैश। तो हमें एमएस वर्ड रे थिबा कंट्रोल प्लस डब्ल्यू शॉर्टकट की यूज करी हमें कौन करी परिबा, तो यह यूज होता है क्लोज करबा पई, तो ऑप्शन सी हो जो बाटरे करेक्ट आंसर, क्लोज द करंट विंडो। तो कंट्रोल प्लस डब्ल्यू यूज करके हमें करंट विंडो को क्लोज करी परिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच शॉर्टकट की इज यूज टू स्पेल चेक इन एमएस वर्ड। तो एमएस वर्ड रे स्पेलिंग चेक करबा पई क्यों शॉर्टकट की यूज होता है, तो यह होची F7, तो F7 यूज करके हमें स्पेल चेक कर परबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच कमांड ऑन द रिबन एनेबल्स द डॉक्यूमेंट टू बी व्यूड एज इट वुड अपीयर ऑन द वेब पेज। तो रिबन रे थिबा क्यों कमांड द्वारा हमें देखि परबा यार वेब पेज व्यू, तो यार करेक्ट आंसर टी होची वेब लेआउट, तो वेब लेआउट द्वारा वेब पेज व्यू होय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉन्ट विथ कर्व और एक्सटेंड एज इज कॉल्ड डैश। तो गोटे फॉन्ट जहाँ कि, तो देखंतु किपर होय थे, तो यह कर्व्ड एवं एक्सटेंड एज रही, तो यही टाइप रो फॉन्ट को कहा जाए थे सेरिफ, तो यह होची सेरिफ, तो यार एक्सटेंड एज बा कर्व्ड एज रही, तो यह होची सेरिफ फॉन्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉन्ट विथ स्ट्रेट एज इज कॉल्ड डैश। तो स्ट्रेट एज देखंतु एपरी रही थे, तो यह टाइप रो फॉन्ट को कहा जाए थे सांस सेरिफ, तो यह होची सांस सेरिफ। तो देखंतु सेरिफ, तो यार एज टिके अलग रही, आउ सांस सेरिफ रो स्ट्रेट एज रही, आउ यार कर्व्ड एज रही सेरिफ रो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फॉन्ट दैट लुक्स लाइक हैंडराइटिंग इज नोन एज डेथ। तो क्यों फॉन्ट जहाँकि हैंडराइटिंग भले देखा जाए तो यह हूँ स्क्रिप्ट। ए फॉन्ट दैट लुक्स लाइक हैंडराइटिंग इज नोन एज स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सेमी ट्रांसपेरेंट ग्राफिक्स ऑब्जेक्ट पोजिशन बिहाइंड टेक्स्ट इन ए डॉक्यूमेंट इज नोन एज डैश। तो गोटे सेमी ट्रांसपेरेंट ग्राफिक्स, तो गोटे टेक्स्टर पछरे रही थाए जहाँकि कम देखा जाए तो यह कौन हो पारे, तो यह हूँ वाटरमार्क। तो ऑप्शन ए हो करेक्ट आंसर जहाँकि मेन टेक्स्टर पचरे ही रही थे एवं कम देखा जाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर इंसर्टेड इन ए डॉक्यूमेंट टू इंडिकेट व्हेयर ए पैराग्राफ एंड्स इज। तेबे गोटे नॉन प्रिंटिंग कैरेक्टर जहाँकि डॉक्यूमेंट रे इंसर्ट करा जाए थे कौन पाई, तो पैराग्राफ रो एंड को इंडिकेट करबा पाई। तो एठारे पैराग्राफ एंड होची बोली आमे सही इंडिकेटर रो जानि परबा, तो तहा होची पैराग्राफ मार्क जहाँकि पैराग्राफ रो एंड रे रही थे। तो देखो तो यह यहपरि देखा जाए थे। तो ये टाइप रो जो मार्क रही थाए यह को कहा जाए थे पैराग्राफ मार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफॉल्ट नंबर ऑफ लाइंस टू ड्रॉप के फॉर ड्रॉप के। तेबे ड्रॉप केप रे डिफॉल्ट नंबर केतोटी लाइन रही थे, तो बाय डिफॉल्ट तीनोटी लाइन रही थे। तो ड्रॉप केप कौन, तो जो थी कि फास्ट लेटर बड़ होता है एवं एठारे रही थे, तो बाय डिफॉल्ट एथिरे तीनोटी लाइन रही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप केप। तो गोटे ड्रॉप केप रे हमें मैक्सिमम केतोटी लाइन सेट करि परिबा, तो देखो तो एठारे मैक्सिमम हमें दसटी लाइन सेट करि परिबा। तो करेक्ट आंसर टी हो जिवो ऑप्शन ए, तो मैक्सिमम दसटी लाइन रही थे और बाय डिफॉल्ट केतोटी तीनोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस यू कैन सेट फॉर ए ड्रॉप केप। तो मिनिमम केतोटी रही परिबा, तो गोटिए किंतु यह यूज हो न थे, तो बाय डिफॉल्ट आम यूज करनोटी लाइन किंबा दसटी लाइन रही थे, तो मिनिमम केतोटी गोटिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट टेस्ट। तेबे F8 की को कंटिन्यूअसली तीन थर प्रेस कले कौन हम, तो गोटे सेंटेंस सिलेक्ट हे। तो ऑप्शन बी हो जाए करेक्ट आंसर। तो जदि आम गोटे सेंटेंस को सिलेक्ट करने चाहूँ, तो F8 की को केते थर प्रेस करवा, तीन थर, तो तीन थर प्रेस कले गोटे सेंटेंस सिलेक्ट होता है। तो यह कंप्यूटर रिलेटेड केते गुडे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो टोटल रु केते स्कोर कले ताहा आपण माने निहाती कमेंट करी जणेबे। ओके, धन्यवाद।